गणित का एग्जाम था और एक बच्चा अपनी बुक घर पर ही भूल गया। जब उसे याद आया तो उसने अपने पिता को कॉल पर बुक भेजने के लिए कहा। पिता ने कहा कि मैं बुक नहीं भेज पाऊंगा क्योंकि सब लोग बिजी हैं। फिर बच्चे ने कहा कि किसी से मेरी बुक कोरियर ही करवा दीजिए। फिर पिता ने कहा सेम डे पर कोई भी कोरियर नहीं देगा और अगर देगा भी तो बहुत ज्यादा पैसे लेगा, इससे अच्छा तुम एक नई बुक खरीद सकते हो। यहीं से उस बच्चे के दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया, क्यों ना कुछ नया सिस्टम क्रिएट किया जाए जो सेम डे पर सामान ले और उसी दिन डिलीवरी भी हो जाए और पैसे भी कम लगे। इसी आइडिया से उस बच्चे की पूरी जिंदगी बदल गई। आज एक करोड़ों की कंपनी के मालिक हैं। और क्या आप जानते हैं कि इस बच्चे का क्या नाम है? तिलक मेहता। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।